सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को शेयर कर दूं। फाइनली गवर्नमेंट अब बच्चों के आगे झुकने लगी है। अभी तक वही गवर्नमेंट, वही एनटीए जो बच्चों को गलत साबित करने पर लगी हुई थी, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, कुछ जगहों पर गलतियाँ हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये माना है कि दो जगहों पे गलतियाँ की हैं। बट मैटर इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि माना इन्होंने गलतियाँ की हैं, उन्होंने यह बताया है कि फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होंगे वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस बार के नीट एग्ज़ाम में अगर कोई गलती हुई है या एनटीए ने इस बार बच्चों के साथ में स्कैम किया है, और एनटीए के कोई भी अधिकारी, कोई भी बड़े से बड़ा ऑफिसर अगर इस पेपर लीक में, इस स्कैम में दोषी पाया गया, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट बच्चों के साथ में है, ऐसा कहना है मिनिस्टर साहब का। अब ये जो एक जांच चल रही है अगेंस्ट, मतलब पूरे स्कैम को लेकर, वह तो एनटीए के ही मेंबर्स कर रहे हैं, उस पर अभी तक कोई ओपिनियन नहीं आया है। और अगर जो बच्चों की डिमांड है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, अगर होगी इन्वेस्टिगेशन, तो एक बात तो कंफर्म है कि एनटीए के बड़े से बड़े बहुत सारे ऑफिसर्स की क्लास लगने वाली है, और एक बार फिर से देश के जो युवा हैं वह लोगों को अपनी पावर दिखाएंगे। ये जो अपडेट है, ये बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आप सही ट्रैक पे हैं और आपको जीत जल्दी ही मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।